दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपका आधार कार्ड खो गया है या आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था, आपका आधार कार्ड जनरेट नहीं हुआ या आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं आया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आधार कार्ड घर बैठे डाउनलोड कर पाएंगे ना आधार कार्ड नंबर के। कैसे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे बिना आधार नंबर के, इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। दोस्तों आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए बिना आधार नंबर के वाली वेबसाइट पर आ जाना है uidai.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां पर आने के बाद आपको माई आधार के सेक्शन में ये ऑप्शन दिखाई देगा, रिट्रीव लॉस्ट या फॉरगॉटन एनरोलमेंट आईडी या यूआईडी। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है अपना आधार नंबर, अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट रहने दीजिए, और अगर आप अपना एनरोलमेंट आईडी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करिए। तो हमें अपना आधार कार्ड नंबर जानना है तो सिंपल सा आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है, और यहाँ पर इंटर नेम में आपको अपना नाम डालना है जो भी आपने आधार कार्ड बनवाते वक्त दिया था। तो एग्जाम्पल में मैं आपको अपना नाम डालकर यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है जो भी आपने आधार कार्ड बनवाते वक्त दिया था। उसके बाद सिंपल सा आपको नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, वो कैप्चा आपको टाइप करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको सिंपल सा सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं योर आधार नंबर आखिरी के आपको चार डिजिट दिखाई दे रहे हैं, इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इतना करने के बाद उसके बाद आपको सिंपल सा डैशबोर्ड पर वापस आ जाना है और यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। डाउनलोड आधार पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर आ चुका है जो कि मोबाइल में आप देख सकते हैं। अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर सिंपल सा डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा कोड आपको एज इट इज डालना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके आधार से जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। वेरीफाई एंड डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज सक्सेसफुली डाउनलोडेड। की पीडीएफ फाइल जो भी होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, तो उसको ओपन करने के लिए आपको अपना नाम का शुरू के चार लेटर कैपिटल लेटर में डालना है और लास्ट में ईयर ऑफ बर्थ डालना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं।